We have to find out the square root of 8,22,64,900. So सबसे पहला step pairs बनाना start करते हैं right से. इनके के pairs बन गए. अब यहाँ कितने बार हैं? 4 बार हैं. तो इसके square root की digits में square root की जो digits होगी वो 4 ही होगी. So let's start with the first pair 82. तो आपको जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर आपको यहाँ पर भी लिखना है, मतलब नंबर का स्क्वायर. ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर 82 या फिर 82 से कम हो. सो 9 9 81, सबट्रैक्ट कर दीजिए 1, और ये जो पेयर है उसको नीचे ले लेते हैं 26. 9 9 ले लें 18, राइट. अब देखिए, अब यहाँ पर है 126, कितना है 126, और यहाँ पर है 18. मतलब अगर यहाँ पर आप सबसे छोटा नंबर 0 भी लेते हैं तो ये 180 हो जाएगा, मतलब इससे बड़ा. मतलब क्या, इससे तो बड़ा ही है ये नंबर. तो हमेशा जो है हमें ये नंबर कितना चाहिए, अगर मैं 0 से करूँगी तो ये 0 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 1 रखती हूँ तो 181 हो जाएगा. तो 126 में से आप 181 तो नहीं आप सबट्रैक्ट कर पाएंगे. तो हमने क्या करना है यहाँ पे, जैसे हमारा डिवीजन का रूल है कि आप दो नंबर एक साथ नीचे नहीं ले सकते हैं, तो इसी तरीके से आप दो पेयर भी एक साथ नीचे नहीं ले सकते, राइट. इसको अगर हम सिंगल डिजिट माने तो सिंपल डिवीजन में आप एक ये नंबर और एक ये नंबर एक साथ नहीं ले सकते. अगर आपको ये दोनों ही नंबर एक साथ लेने हैं तो उसके लिए आपको 0 पुट अप करना पड़ता है. तो हम यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि ये 26 लगाकर 126 हो जाएगा जो कि इससे कम होगा, इसीलिए हमें दूसरे पेयर की भी ज़रूरत है यहाँ पर. तो ये हो जाएगा नंबर, ठीक है. अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर अब हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, राइट. अब हम नंबर पुट अप करके देखते हैं 12, राइट. यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 6 से करके देखते हैं सबसे पहले, राइट. सो 1806 इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 6 में अगर यहाँ लिखूंगी तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा. तो 6 6 36, 6 8 48. अच्छा, अभी उससे थोड़ा सा कम है ये, चलिए लेट्स ट्राई इट विद 7. 7 7 49, 7 8 56, ठीक. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर. तो 6 की जगह हम क्या लेंगे, 7. ये हो जाएगा 1 2 6 4 9, ठीक है. और ये है आपके 00, राइट. तो जो भी 00, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में अगर 10 बचता है तो हम यहाँ पर 10 लगा देते हैं. इस पेयर को भी हम एक डिजिट मानेंगे, तो यहाँ पर आपको ये नंबर लेना पड़ेगा 0, राइट. क्योंकि इसके आगे हमें डिवीजन करना नहीं है, 0 से कोई डिवीजन होगा नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट में 0 तो बाकी है ना. यहाँ पर डिवीजन नहीं हो सकता लेकिन लास्ट में 0 तो बाकी है, तो इनका कुछ तो करना है. तो लास्ट में जो भी 0 बच जाता है उसको क्वेश्चन में दे देते हैं. यहाँ भी हमारे पास पूरा एक पेयर बचा है 0 का, तो हम यहाँ लास्ट में क्वेश्चन में 0 कर देंगे, राइट. मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 ही आएगा. तो देखो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 8 2 2 6 4 9 00 इज इक्वल टू 9 0 7 0. अब आप 9 0 7 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे खुद इसी नंबर से तो यू विल गेट दिस नंबर. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि अगर आपके यहाँ पर 4 बार्स लगे हुए हैं तो आपकी जो डिजिट होंगी ना स्क्वायर रूट की, वो भी एक 4 डिजिट नंबर ही होगा. तो देखिए इसमें 4 डिजिट है हमारी ऑलरेडी. तो ये कभी कभार जनरल नॉलेज का एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे पता लगेगा हमें कि जो भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी. तो कितने डिजिट्स होंगी, जितने ये बार्स लगे हुए हैं ना उतनी ही आपके स्क्वायर रूट में डिजिट्स होंगी. यहाँ 4 बार लगे हुए तो यहाँ पर भी आपके स्क्वायर रूट में 4 डिजिट्स हैं, ठीक है. सो होप्स अब मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा.